तो आज आप देख सकते हैं इस शेयर मार्केट का क्या आज कल प्रॉफिट मुझे इतना मिला है, वो भी मुझे शेयर मार्केट के स्टॉक ट्रेडिंग में। स्टॉक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखिएगा, कोई भी लॉन्ग टर्म में शेयर आपको नुकसान नहीं देगा। जैसे मैं आज ही 404 पे गया था, फिर नीचे। इस तरह लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो देखिए, जैसे आप 12 जनवरी को ही आप ले लिए, इसका 12 जनवरी को था 185 से आपका 399 आज हो गया है, या 320। आप मान लीजिए 1 साल का नहीं, लॉन्ग टर्म में देखिए आपका 28 अगस्त से 29 अगस्त 2023 से आपका 127 पे था, अभी क्या हो चुका है 399। तो आप इसको ऐसे भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितना परसेंट आपको मिला है। आर एन लेना शेयर प्राइस में गूगल में लिखिएगा जाके, उसके बाद 1 मंथ 6 मंथ का। तो यहाँ पे आप आर बी एन का 6 मंथ या ईयर का देखिएगा, यहाँ पे आप एक इस पॉइंट आप प्रॉब्लम रखिए, तो यहाँ पे तो ये आपको परसेंटेज दिखाएगा जो आप इस समय फेवर होते थे, आपका कितना परसेंट होता। ये आपका होता 122% का प्रॉफिट आपको कितना 1 जनवरी से 3 जून तक 6 महीना में, जो आपको बैंक कभी नहीं था। यहाँ पे अब इसको हम 5 साल तक नहीं रहेंगे, तो मान लीजिए मैंने आपको बोला था 2023 मान लीजिए अक्टूबर से आपने इन्वेस्ट, और यहाँ पे आपने ले लिया 2023 अक्टूबर से, इस कंपनी ने 2023 मार्च से आपको 18 जून तक आपका पैसा 5 गुना करके दिया है, 500% का रिटर्न आप देख सकते हैं। अगर आपने 2023 अक्टूबर में भी लिया होता तो ये आपको 155% का रिटर्न देता। वही आपने लॉन्ग टर्म में किया होती तो ये दीजिए 1000% का भी रिटर्न आप समझ सकते हो। ये गवर्नमेंट शेयर है, रेन इंट्रेस्ट नहीं था। उसके बाद टाटा मोटर्स एक शेयर है जिस पर मुझे भरोसा है, ये आपका लॉन्ग टर्म में अभी क्योंकि इसने हाल ही में ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, तो ये आपको और अच्छा दे सकता है। जैसे 1 महीना तो मान लीजिए 4 तारीख को आपने खरीदा होता 903 थे, अभी आपको 4 जून से 18 जून 10 दिन भी नहीं है, 10 दिन में ही आपको 9% का प्रॉफिट मिल गया था। मैंने बोला था आपको भी 4 जून सबसे बेस्ट मौका था, कोरोना काल जैसा हाल शेयर मार्केट का हुआ था। तो ये आप खरीद लेते तो आपका देखिए, अब इसने और पोटेंशियल भी है। मैं बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं सेबी रजिस्टर कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता हूँ। आप अपना एनालिसिस कीजिए और तब आप बाय कीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो शेयर प्रॉफिट मार्जिन रेशियो आया था उसके भी हफ्ते में बोल रहा, क्योंकि इसका Q4 का रिजल्ट जो आया था जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रो में अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ आपका ये देखिए प्रॉफिट रेवेन्यू तो कितना भी सकता है, प्रॉफिट जो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट को देखना पड़ता है। देखिए दिसंबर में इस कंपनी ने 7,145 करोड़ का प्रॉफिट किया था, फिर वही बढ़ के मार्च में देखिए कितना हो गया, मार्च में देखिए एकदम 7-3 गुना के लगभग हो गया। राइट सोचिए ये इस शेयर को बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ने के बाद मार्च में ये घट गया। आपको अगर मैं दिखाओ तो मार्च में ही ये देखिए घट गया था, 14 मार्च में ही घट गया था, और सबसे ज़्यादा घटा था आपको 4 तारीख को आपका लोएस्ट गया था 850 की, तो मैं भी उस समय देख रहा था। जैसे देखिए 850 तक लो गया, 865 बोल रहे हैं यहाँ से, लेकिन वही 865-850 देखिए 855 तक लोएस्ट गया था। उस दिन 12:30 बजे सभी शेयर्स लोएस्ट गया था, वो भी न्यूज़ में बोलना जा रहा था कि आपका ये कोरोना जैसा मौका फिर से दोबारा नहीं आएगा, कोरोना में जो हाल हुआ था स्टॉक्स का वही हाल आपका आज हुआ है। नेक्सन के दिन 4 तक कुछ फंडामेंटल शेयर्स को आपको
देख के रखना होगा और आपको उन पे रिसर्च करके इन्वेस्ट करना होगा। देखिए कल ही आपको दिखाया गया था कि मेरा ये लॉस में चल रहा था, आप देखिए सारा प्रॉफिट में चल रहा। अब ये ई टेक ड्यूरेबल मैंने मेरा जो आई पी ओ में फंसा हुआ था, अब मैं उस पर निकाल सकता हूँ आराम से, और मैं आपको लाइव निकालने का प्रोसेस भी करके दिखाऊंगा। टूडेस आई गया है 228, अब ये 228 को भी अगर पार कर जाएगा तो मेरा नेक्स्ट टारगेट 235-40 रहेगा। मैं 235-40 पे इसको निकाल लूँगा और फिर आपका और कहाँ का टाटा मोटर्स नहीं, इंडेजिन में 500-640 के निकालने का सोच रहा हूँ। नहीं एक बार मैं देख लेता हूँ, ये आपका 500-591 टुडे साइड गया, 591 को थोड़े सा 612 को अगर ये तोड़ता है तो और हाई जा सकता है 660-662 उठता है। मुझे लगता है मैं इसको होल्ड करूँगा और 620-630 जाने का वेट करूँगा। आपको अपने रिसर्च से करना है दोस्तों। इसका भी प्रॉफिट ठीक था जो 2023 का क्वार्टरलिंग और दूसरे फ्लो उतना खास नहीं है, लेकिन ये आई पी ओ लिस्ट हुआ था 660 फिर उसके बाद डाउन चला गया, इसीलिए अब इसका वेट करना होगा 614 तब तोड़ें, तभी मैं इसको 614 के बाद छः मेरा टारगेट रहेगा 620 फिर निकाल लो। ये मेरा फ्रेंड का अकाउंट है, बस फिर इसमें फिर लॉस चल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ अब रेलवे दस निगम को ये आज का हाई जितने देर से वो देख रहा हूँ, आज का 405 गया था तो मेरे लिए 405-410 टारगेट रहेगा। मैं 408 फिर निकाल सकता हूँ, तो मैं सेल ऑर्डर लगा देता हूँ 408 अगर जाएगा तो मैं निकल वन। चलिए मैंने लगा दिया मेरा ऑर्डर, मेरा 408 पे जैसे जाएगा वो सेल हो जाएगा। एच पी एल को मैं होल्ड करूँगा, एच पी एल तो मैं होल्ड करता, मेरा टारगेट रहेगा आपका 75 है, चलूँगा 480 टारगेट रहेगा, 480 पे जैसे ही जाएगा मैं निकाल लूँगा, आधा निकालता हूँ। एन एच पी सी का टारगेट तो ज़्यादा ही है अभी, नहीं एन बी सी सी
164 यानी मेरा टारगेट 170 रहेगा। यदि कौन इंटरनेशनल कर रहे 26% वोट प्रो बोर्ड बोर्ड दिया तो आज मैं निकाल रही सकता हूँ। ये अपना ऑल टाइम है कि बहुत करीब है, तो मेरा टारगेट 290 में मेरे को निकल जाना पड़ेगा क्योंकि सेलिंग प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, बाइंग बहुत कम लोग करते हैं। एस जे वी एन को मैं अभी होल्ड करूँगा, इसका ऑल टाइम है बहुत ज़्यादा है 170। आशा करता हूँ कि ये 104.50 तक भी जाए तो मैं निकाल लूँ। उसका टारगेट मुझे मुझे लगता है ये 220 या 210 आराम से चला जाएगा, तो मैं इसका वेट करूँगा। मैंने कम क्वांटिटी होल्ड किया है, देखिए मुझे ये रिस्की लगा था इसीलिए, लेकिन मैं 220 तक का टारगेट रखता हूँ।